In this question, consider a metallic ring of radius 1 meter, mass 1 kg and carrying a current of 1 ampere in a gravity free space in the xy plane with its center O at the origin is on the figure. If the uniform magnetic field 3i cap plus 4 j cap tesla is applied, then find the instantaneous acceleration of the point P. This is the point P which is on the y axis at this moment, at the initial moment. So, to find the acceleration of this, this is the uniform magnetic field, and in uniform magnetic field there is no net force on a closed loop. So there is no net force. So there is no net force, net magnetic force on closed loop in uniform magnetic field. तो इसका मतलब है देर इज़ नो नेट फोर्स, फोर्स तो नहीं लगेगा लेकिन देर विल बी अ टॉर्क. तो इसका एक यहाँ पे टॉर्क होगा एंड वी कैन फाइंड द टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज एम क्रॉस बी. फ्रॉम एम क्रॉस बी वी कैन फाइंड इट एंड एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज़ आई इन टू द एरिया वैक्टर एंड वट इज द वैल्यू ऑफ करंट. करंट इज 1 एम्पियर एज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड एरिया वैक्टर. सो एरिया वैक्टर का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे राइट हैंड थम रूल, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थम विल पॉइंट इन द इनवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड यहाँ पर नेगेटिव जेड डायरेक्शन होगा. तो एरिया, एरिया इज ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर. सो पाई इंटू रेडियस स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज माइनस के कैप. सो वट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस इज अगेन 1. सो दिस इज न्यूमेरिकली माइनस पाई के कैप. तो ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो वी कैन फाइंड द टॉर्क. सो टॉर्क इज एम इज माइनस पाई के कैप and cross B is 3i cap plus 4 j cap. To avoid any calculation mistake, I am drawing this clockwise circle to find the cross product. So this is minus pi and 3 k cap cross i cap. So k cap cross i cap will be j cap. So it is 3 j cap k cap cross j cap. So k cap cross j cap is minus i cap. So it is minus 4 i cap. If you multiply by minus, so this is pi 4i cap minus 3j cap. So this is the torque and the magnitude of torque will be pi and this 4 and 3 and it is under root 4 square plus 3 square. This is 5 pi. So magnitude of torque on this metallic ring will be 5 pi. But what is the direction of torque? What is the axis rotation? So agar koi yahan par ye freely रखा हुआ यहाँ पर ये बॉडी है और इस पर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क लग रहा है, ठीक है. इसका मतलब है कि फोर्स कपल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं और जो फोर्स कपल्स क्रिएट हो रहे हैं उनका जो टॉर्क होता है वो किसी पॉइंट किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम आ जाता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर अब इसका जो रोटेशन है इट इज़ केप्ट फ्रीली, ये कहीं हिंज नहीं है, देर इज़ नो हिंज. तो इसका मतलब है कि इसका जो रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा, लेकिन अबाउट विच एक्सिस इट इज़ रोटेटिंग. तो टॉर्क का जो डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज दिस, ठीक है. तो ये जो टॉर्क का डायरेक्शन है इससे हम एक्सिस का ओरिएंटेशन पता कर सकते हैं. तो एक्सिस का जो ओरिएंटेशन है वो इसके यूनिट वेक्टर के अलोंग होगा, ठीक है. तो जो भी टॉर्क वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं और वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा. इसमें एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव और दिस एक्सिस विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये जो एक्सिस होगी वो एक्सिस कुछ इस तरीके की एक्सिस होगी यहाँ पर. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द एक्सेस और इसका जो एंगल बनेगा विद एक्स एक्सेस, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे बिकॉज दिस एक्स कंपोनेंट इज 4 एंड दिस वाई कंपोनेंट इज 3, सो दिस एंगल इज़ गोइंग टू बी 37 डिग्री. तो इस तरीके के एक्सेस का ओरिएंटेशन होगा. इस एक्सेस को मैं डायग्राम में भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ. लेट अस रिप्रेजेंट दिस एक्सेस इन द डायग्राम ऑल्सो. सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड दिस एक्सेस विल बी इन दिस प्लेन ओनली. जो एक्स वाई प्लेन है इसी में यहाँ पर ये एक्सेस है. तो इस एक्सेस के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग एंड हाउ इट इज़ रोटेटिंग. तो इसमें अब क्योंकि एक्सेस का ये डायरेक्शन है तो अगेन राइट हैंड थम रूल से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सेस का अगर ये डायरेक्शन है, टॉर्क का डायरेक्शन है, तो फिर उस केस में दिस पार्ट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन. क्योंकि जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो तो इस प्लेन में है. तो यहाँ पर ये जो पार्ट है वो इट विल कम आउट ऑफ द प्लेन और ये जो पार्ट है वो इट विल गो इन टू द प्लेन. इस तरीके से रोटेशन होगा, ठीक है. सो इट विल रोटेट लाइक दिस, इट विल रोटेट लाइक दिस.
अबाउट दिस एक्सेस. तो दिस इज़ द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 37 डिग्री. तो ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा इसमें 37 डिग्री. दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैप. तो मुझे अब यहाँ पर पी का एक्सेलरेशन निकालना है और जस्ट ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने के बाद में निकालना है. तो देर इज़ नो एंगुलर वेलोसिटी, कोई एंगुलर वेलोसिटी अभी यहाँ पर नहीं है. तो पी का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं. सेंट्रिपिटल अभी यहाँ पर नहीं, ओमेगा नहीं है इसमें, ठीक है. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का यूज़ करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्सिस. तो जो पी है, इस पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो एक्सिस से. सो दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो एंगल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे ये एंगल यहाँ पर 37 हो जाएगा, देखा जा सकता है इजिली. तो दिस एंगल इज 37, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं. रेडियस अगर आर है, इफ़ दिस रेडियस इज गोइंग टू बी आर, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा यहाँ पर आर कॉस 37. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. तो टॉर्क को यहाँ पर लिख लेते हैं आई इंटू अल्फ़ा. आई क्योंकि ये डायमेट्रिकल एक्सिस है, प्लेन में है एक्सिस, तो डायमेट्रिकल एक्सिस होगी. तो आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू. वट इज़ एम, एम इज़ वन, आर इज़ वन, सो दिस इज़ हाफ. तो ये हाफ यहाँ पर रख लेते हैं इसमें. तो दिस इज़ अल्फ़ा बाई टू. एंड वट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 10 पाई. तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 10 पाई के बराबर आ जाएगी. और अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन ऑफ पी एंड दिस इज़ दी नेट एक्सेलरेशन ऑल्सो. सो दिस इज़ अल्फ़ा इन टू दिस आर. अल्फ़ा इज 10 पाई एंड आर इज आर कॉस 37. आर इज़ 1, कॉस 37 इज 0.8. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 8 पाई. तो 8 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ पी जस्ट आफ्टर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड.